हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है आरटीजीएम मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन 2019 का क्वेश्चन नंबर 43 है, जो कि किस टाइप का है? एनएटी टाइप का है, न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन इन फोर अननोन। कौन से फोर अननोन है? x1, x2, x3 और x4, ठीक है। ये आपके पास फोर अननोन गिवन है और आपके पास ये आपको क्या गिवन है, आपके पास इक्वेशन गिवन है, थ्री इक्वेशन गिवन है, फोर अननोन है आपके पास। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 इक्वल टू 4, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4 इक्वल टू 5, x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 प्लस kx4 इक्वल टू 5, देन द सिस्टम ऑफ हैज नो सोल्यूशन, देन k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? मैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा। कौन सी मैट्रिक्स? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है हमें, तो क्या करेंगे, इस टाइप से बना रहे हैं, 1 1 1 1 1 2 3 4 1 3 5 k, ये क्या है, 4 5 5, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेंज करूँगा। तो R1 R2 को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो R2 चेंज करूँगा तो क्या करूँगा, R2 चेंज R2 माइनस R1 करूँगा, क्योंकि मुझे इसे ज़ीरो बनाना है, इसे ज़ीरो बनाना है और इसे ज़ीरो बनाना है, ठीक है। और फिर मैं R3 को भी चेंज करूँगा, R3 माइनस R1 कर दूंगा, ठीक है। तो क्या आएगा देखते हैं, इसको चेंज करने पे 1 1 1 1, ऊपर का 4 ही रहेगा। अब R2 को चेंज कर रहे हैं किससे, R2 माइनस R1, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। फिर इसको चेंज कर रहे हैं किससे, इससे चेंज करना है तो ये 0 हो जाएगा, फिर इसको यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ के माइनस 1 आएगा, यहाँ आपके पास 1 आएगा। अब फिर मैं इसको अभी 0 बनाना है इसके अकॉर्डिंग, फिर इसको मुझे चेंज करना है कैसे, R3 को चेंज करना है किसके रिस्पेक्ट में, R3 माइनस 2 R2, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो होगा, ठीक है। इधर लिखता हूँ साइड में, तो इसको चेंज कर रहा हूँ, देखिए ये 1 1 1, इधर आपके पास 4 है, ठीक है। ये एज इट इज रहेगा, 0 1 2 3 और 1, अब इस ये भी 0 रहेगा। R3 माइनस 2 R2, तो R3 माइनस 2 R2 ये 0 हो गया, R3 माइनस 2 R2 ये भी 0 हो गया, R3 माइनस 2 R2, 2R2 मतलब क्या, k माइनस 7 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे k माइनस 7, ये आपके पास यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा R3 माइनस 2 R2। तो R3 में से 2R2 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 यहाँ पे आपके पास आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे माइनस 1 आएगा, अब देखिए इसकी रैंक क्या आएगी, रैंक हमारे पास इसकी 3 आएगी, क्लियर है। तो रैंक क्या आएगी, रैंक ए बाई बी की रैंक क्या होगी, 3 होगी, क्लियर है। अब बात आती है कि नो सोल्यूशन मुझे बताना है, क्या नो सोल्यूशन के अकॉर्डिंग बताना है, तो नो सोल्यूशन कब मिलेगा,
नो सोल्यूशन तब मिलेगा जब ये जीरो हो जाए, क्योंकि मेरी रैंक क्या होनी चाहिए, थ्री होनी चाहिए। जैसे ये जीरो हो जाएगा हमारी रैंक क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। तो जब रैंक हमारी टू हो जाएगी इसका मतलब क्या है कि के माइनस सेवन को जीरो होना चाहिए। तो के माइनस सेवन जीरो होगा तो इसका मतलब के इज इक्वल टू सेवन, के इज इक्वल टू सेवन पे क्या होगा, नो सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।